Hello, dear student. You know very well, I am Motiram Saini from Lala Jagdish Prasad Saraswati Vidya Mandir Inter College. और ये जो वीडियो बन रही है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको लास्ट तक देखनी है. और इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा. तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे तो बायो सेवर्ट नियम है, लेकिन इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है. व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे पास एक दंड चुंबक है और ये दंड चुंबक इसमें दो सिरे दिए हुए हैं, एक एन और एक ये एस हो गया. इसमें खुदे हुए हैं ये सिरे, एन नॉर्थ हो गया और जो ये इधर एस है ये साउथ हो गया, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव. हमारे पास ये चुंबकीय सुई है, आप देख रहे हैं चुंबकीय सुई, इसमें भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों पॉइंट हैं. अब हमें क्या देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ तक. अब वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक है, ठीक है ना. तो जब हम इस चुंबकीय सुई, इसको मैग्नेट को ऐसे रखते हैं, इस चुंबक को या तो हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं या किसी बिंदु पर इसको रख दें. तो जब हम किसी बिंदु पर रखते हैं, ऐसे रखी मैंने ये, आप ध्यान देंगे, तो ये किसी निश्चित दिशा में, वैसे तो इसके आसपास आने पर तो ये हिलती रहेगी, लेकिन किसी बिंदु पर आकर हिलने के बाद क्या हो जाएगी, निश्चित हो गई. तो यानी कि इस पॉइंट पर ये स्टेबल, यानी कि स्थिर हो गई है. तो इस बिंदु पर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन जो है वो आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर है. अब आप कहेंगे कि सर ये पॉइंट ना लेके दूसरा पॉइंट ले लें. हाँ जी, अब आप कहेंगे कि यहाँ इस पॉइंट पे रखें ये वाली मैग्नेट, तो जब इसके समीप रखेंगे तो ये चुंबक जो है इस तरीके से आपकी ये इधर उधर जाएगी ऐसे, और एक बिंदु पर आकर क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी. फिर दूसरे बिंदु पर स्थिर हो गई, तो अब इस बिंदु पर फिर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है. और उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर है. तो जब हम ये देखते हैं कि मैग्नेट को ऐसे उत्तर से दक्षिण की तरफ ले जाते हैं ऐसे, तो ये अपने बिंदुओं पर क्या हो जाती चली जाती है, स्थिर होती चली जाती है. तो इन बिंदुओं पर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निहित है, यानी कि उपस्थित है यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, और उसकी डायरेक्शन दक्षिण से उत्तर की ओर है. अगर मैंने मैग्नेट यहाँ रख दी तो यहाँ मैग्नेट पर चुंबकीय सुई मैंने यहाँ इतनी दूर रखी है, तो इस चुंबकीय सुई पर इस मैग्नेट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि ये जो अपनी अवस्था में थी, ना हिली ना डुली, उसी स्थिति में है. तो यानी कि इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर नहीं है. समझ रहे हैं विद्यार्थियों, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, और उस बल आघूर्ण के कारण वो चुंबकीय सुई घूम जाती है और घूमने के बाद एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है, उस बिंदु पर उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है और जिसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है. ओके, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ मैं. हमारी चुंबक, और चुंबक के पास हमने चुंबकीय सुई रखी, चुंबकीय सुई हिले डुलेगी थोड़ी बहुत, फिर एक बिंदु पर स्थिर हो जाएगी. देयर आर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेट. फिर यहाँ रखी, यहाँ पे भी इसमें जो है डिफ्लेक्शन होगा, चेंज होगी, फिर क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी. तो देयर आर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र हैं. तो इन बिंदुओं पर जहाँ पर ये स्थिर हो जाती है, उन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है, और उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर है. और अगर आप बहुत दूर ले जाते हैं तो यहाँ मैग्नेट का कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना ये हिली डुली नहीं है, यानी कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है. तो यानी कि इस पर कोई प्रभाव न पड़ने के कारण यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र इस मैग्नेट का नहीं है. तो यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जिस वह क्षेत्र
जिस पर चुंबकीय सुई रखने पर चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण कार्य करता है और चुंबकीय सुई घूमकर एक अवस्था में स्थिर हो जाती है, उस बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है। और चुंबकीय क्षेत्र हमारी कैसी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र हमारी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय द एरो साइन, ये इसकी दिशा को शो करेगा। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक भी आपको मैं बता दूं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के चार मात्रक हैं। एक हमारे पास है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये मैंने लिख के भेज रखे आपको व्हाट्सएप पे। और दूसरा मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, और तीसरा मात्रक है हमारा टेस्ला और चौथा मात्रक है हमारा गाउश। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, गाउश से। तो ये मात्रक हो गए। अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला है यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिट तो लिखनी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में आपका आधा नंबर जरूर कट जाएगा। तो इनमें ये यूनिट ये तीनों यूनिट तो कोई सी भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए बी है मेरे पास, तो आप चाहे यहाँ पे 10 है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, या आप लिख सकते हैं टेस्ला। बट ये मात्रक हमारा छोटा मात्रक है, तो जब ये छोटा मात्रक है और आपको इस मात्रक में बदलना है तो आप ध्यान देंगे, नोट देखेंगे आप, यानी कि एक वेबर पर मीटर स्क्वायर या एक टेस्ला या एक न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, वो हमारा 10 की पावर 10,000 गाउश होता है। ये हो जाएगा, तब हम ये चेंज कर लेंगे 10 की पावर 4 गाउश, ऐसे चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये दे दिया कि 10 गाउश है ये और इसको चेंज करना है, और चेंज करने के लिए आपको क्या लेना, वेबर पर मीटर स्क्वायर लेना है या फिर न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर लेना है या टेस्ला लेना है, तो आप चेंज कर देंगे सीधे सीधे, क्या हो जाएगा 1/10 की पावर 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर और बराबर 1 गाउश, और ये हो जाएगा 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 गाउश। ध्यान देंगे आप यहां से चेंज कैसे करेंगे, तो 10 × 1 लिख लो, ये आ गया। और इसको क्या लिखेंगे हम, 10 × 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और 10 की पावर ही हो जाएगा -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऐसे चेंज कर लेंगे। तो अगर आपका मात्रक गाउश है तो गाउश को हम कैसे चेंज कर लेंगे, ये तरीका मैंने आपसे बताया, ठीक है ना। अब एक पॉइंट और समझ लीजिएगा, हमारी पृथ्वी भी एक प्रकार, पृथ्वी के अंदर भी चुंबकत्व है, यानी कि पृथ्वी भी एक चुंबक है। जब हम किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, और उसका चुंबक का उत्तरी सिरा पृथ्वी के उत्तरी सिरे की उत्तरी दिशा में ही होता है, उत्तर दिशा में ही होता है, और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव यानी कि दक्षिणी सिरा जो है वो पृथ्वी के दक्षिण दिशा में ही होता है, ठीक है ना। तो जब हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो चुंबक हमेशा सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, अब तो आपकी बुक से ये सारे एक्सपेरिमेंट हटा दिए हैं कि पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक किसके कारण है, तो कोई वैज्ञानिक जो है उस पर ज़्यादा सही से टिप्पणी नहीं दे पाया, अब बुक में तो नहीं है, लेकिन चार पाँच एक्सपेरिमेंट हैं हमारे पास। जब हम लोहे की छड़ को पृथ्वी में गाड़ देते हैं और गाड़ने के कुछ समय बाद निकालते हैं तो वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, यानी कि उस लोहे में मैग्नेटिज्म हो गया आ गया है, यानी कि वो चुंबकत्व का कार्य करने लगा। आप बताओ वो चुंबक तो दिया किसने है, पृथ्वी तो थी उसके टच में, तो पृथ्वी ने उसे वो चुंबक दिया है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, उनका यहाँ पे ज़रूरत नहीं है,
तो ये मैंने आपसे चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना यानी के कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सीधे सीधे आ जाइएगा बायो सावर्ट नियम पे। ये बायो सावर्ट नियम आपने टेंथ में भी पढ़ा है, कुछ सेक्शन मेरे घंटे लगे हुए थे, मैंने आपको वहाँ भी पढ़ा है। तो बायो सावर्ट नियम क्या है कि अगर हमारे पास एक चालक खंड है, मैंने इस चालक खंड के ये बिंदु ले लिए, तार ये हमारे पास बहुत लंबाई का है, मैंने टू पॉइंट्स लिए हैं ए और बी, और इसमें करंट पास हो रहा है, आई करंट इसमें पास हो रहा है, और मैंने इससे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है, और इस पॉइंट पर मैं ये चाहता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है, हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। अब ऐसे कहते रहे कि सर चुंबकीय क्षेत्र तो है यहाँ, हमने चुंबकीय सुई से देख लिया, अब है तो कितना है, तो इसका मतलब हो गया इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बायो सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने, लिखवाऊंगा तो नहीं, मैं आपको लिख के मैंने आपसे भेज रखा है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, बायो सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक खंड के कारण उससे कुछ दूरी पर आप ये दूरी ऐसे ले लीजिएगा, कुछ दूरी पर आर डिस्टेंस ले ली, एक बिंदु पी लिया, और इस कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी ज्ञात करने की कोशिश की है। इस पर कार्य विभिन्न वैज्ञानिकों ने किया लेकिन वो सही से नहीं कर पाए, बायो सावर्ट नामक वैज्ञानिकों ने ही इस सूत्र को सिद्ध किया है कि दोबारा बोल रहा हूं मैं लाइन, किसी चालक खंड के कारण उससे कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, लेकिन बायो सावर्ट नामक वैज्ञानिकों ने चालक खंड से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बिंदुओं के आधार पर ज्ञात की है। अब आप वो बिंदु देख लीजिएगा और चित्र आपके सामने है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक वायर है, इसकी लंबाई हमें पता नहीं, हमने दो खंड ले लिए, इसका खंड बना दिया ए और बी, ये आ जाएगा आपके पास चालक खंड। अब इस चालक खंड की ए से और बी तक जो लंबाई ली है बेटा मैंने, छोटा है, छोटे की वजह से मैंने इसे डेल्टा एल लिखा है, इसकी लेंथ यहां से यहां तक डेल्टा एल है, और पासिंग करंट है इसमें आई, आई करंट इसमें पास हो रहा है। अब इस चालक खंड से कुछ दूरी पर, अच्छा बेटा एक बात समझिएगा, आपने कहीं कहीं ये सुना होगा कि 11,000 की लाइन जा रही थी और वो व्यक्ति उसकी चपेट में आ गया, उसने उसको टच भी नहीं किया, तो इसका कारण यही होता है कि उसके आसपास क्या है, उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या आ जाता है, वो उसके चपेट में आ जाता है जबकि उसने किसी वायर को टच नहीं किया है। तो अब हम देखेंगे इस के अंदर जो आई करंट जा रहा है, इस आई करंट के कारण इसके चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहां से मैंने ये डिस्टेंस ली आर, डिस्टेंस हो गई आर, ये पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पर मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड बी। अब ये हमारा चालक खंड छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा छोटा ही आएगा, ये आपका चित्र है, चालक खंड तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण थीटा है। अब मैं आपके पॉइंट लिखूंगा नहीं, आपके डायरेक्ट समीकरण मैं आपको बताऊंगा। नंबर एक, ये चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी इस चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है, तो बी समानुपाती डेल्टा एल, समीकरण नंबर एक। आप थोड़ा सा समझा दो, अगर चालक खंड ये है हमारे पास बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा, यहां से इनसे ऐसे प्रभाव पड़ेगा इसका, अगर ये है आपके पास लंबाई ये है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक क्रॉस होगा, यहां से यहां तक, तो जितनी लंबाई बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट है, ये चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, हमारे घर में करंट जा रहा है और उसके ऊपर कवर नहीं है
तो आपका हाथ यहाँ भी रख लीजिएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे इतनी डिस्टेंस पे, क्योंकि यहाँ पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या है, कम है, और करंट भी हमारा क्या है, कम है, कम है। अगर इसी में हमारी 11,000 की लाइन जाए या 22,000 की लाइन जाए तो हम क्या रहेंगे, इससे बहुत दूर रहेंगे। क्यों रहेंगे दूर? क्योंकि करंट ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा है, ज़्यादा है और वो भी ज़्यादा है तो चिन्ह आएगा समानुपाती का। तो डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो इस चालक खंड में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। आई समीकरण नंबर 2, आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसके अंदर करंट है और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे खड़ा हूँ तो मेरे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसी के समीप आ जाता हूँ तो इसका प्रभाव मुझ पर पड़ने लगेगा। वही बात है, करंट इसमें है, हमने यहाँ रखा है हाथ, हमारे हाथ पे कोई इफेक्ट नहीं। अगर हम यहीं टच करें, थोड़ा सा इसे टच नहीं करना, इसके पास जाना है, तो आप पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि अगर दूरी कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, अगर दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगा। और ये वर्ग के रूप में होगा। मान लीजिए डिस्टेंस आपकी 2 मीटर थी और ये बी था, हमने डिस्टेंस बढ़ा के 4 कर दी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कम हो जाएगा। यानी कि इसका प्रभाव जो है वो वर्ग के रूप में पड़ेगा, ऐसा नहीं पड़ेगा कि आपने मान लीजिए 1.5 है तो प्रभाव आपका 2.25 का पड़ेगा, 3 है तो किसका प्रभाव पड़ेगा, 9 का पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक खंड तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखा चालक खंड तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच की लंबाई या चालक खंड व बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोबारा बोल देता हूँ, चालक खंड व बिंदु को मिलाने वाली रेखा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा बी 1/r। समानुपाती बोलेंगे तो 1/r² नहीं बोलना है, समानुपाती में तो 1/r² कहना है और व्युत्क्रमानुपाती में r² ही बोलना है। तो ये आ जाएगी हमारी समीकरण नंबर 3। आप ध्यान दीजिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड एंगल पे भी डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से खड़े हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं तो 90° हो जाएगा आपके पास, यहाँ चले गए तो आपके पास जो है ये चेंज हो गया ना, और ये फिक्स रहा है, तो प्रभाव जो पड़ेगा हमारे पास लंब और कर्ण पर पड़ेगा, लंब और कर्ण से बनेगा हमारे पास sin θ। तो कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक खंड तथा चालक खंड व बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की जया यानी कि साइन। और साइन जब आप लिखते हैं तो सीधा सीधा ऐसे लिखते हैं, और जब एंगल आ जाता है तो sin θ लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डेल्टा बी समानुपाती sin θ। समीकरण नंबर 4। अब हम इन चारों समीकरण को मिलाते हैं। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से डेल्टा बी तो एक ही है, अलग अलग तो नहीं है, बट ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिफरेंट है। तो डेल्टा बी तो यही आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल आई 1/r² × sin θ। एलिमिनेट द साइन ऑफ द प्रोपोर्शनल, देयर विल बी ए कॉन्स्टेंट एंड इक्वल साइन। जब हम यहाँ से ये बराबर का चिन्ह हटाते हैं तो एक नीतांक आता है, यू नो वेरी वेल, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ जाता है, और वो नीतांक आपकी पसंद का नहीं आएगा, आप कह देते हैं सर K लगा दो, यहाँ आएगा बायो सेवर्ट की पसंद का नीतांक आएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा बी बराबर μ0/4π डेल्टा एल आई 1/r² sin θ। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लेंगे, डेल्टा बी बराबर μ0/4π i डेल्टा एल
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही हमारा बायो सेवर्ट का नियम है, यही बायो सेवर्ट का नियम है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर जब न्यूमेरिकल करे जाएंगे किए जाएंगे, पहली बात तो आपकी बुक में बायो सेवर्ट का कोई भी नियम नहीं, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, ये मुझे अच्छे से पता है। इसके एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस पे आधारित आपके न्यूमेरिकल हैं। फिर भी अगर हमें इसका मान पुट करना पड़ जाए, तो बायो सेवर्ट ने ही निकाला होगा प्रयोगों द्वारा, तो जहाँ म्यू जीरो अपॉन फोर पाई एक नीतांक है, ये तो आप जान ही जाएंगे, और प्रयोगों द्वारा इसकी जो वैल्यू निकाली गई है म्यू जीरो अपॉन फोर पाई बराबर 10^-7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। ये मैंने कल की वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई ये होता है। अब ये म्यू जीरो क्या है आपके पास, ये म्यू जीरो जिस माध्यम में हमारा ये रखा हुआ है उस माध्यम की चुंबकीय शीलता है, यानी कि जो हमारा मीडियम होता है उसमें भी मैग्नेटिज्म हो सकता है। नीतांक क्यों लगाए जाते हैं, अगर कोई सूत्र में कहीं फैक्ट रह जाता है तो उसकी वहाँ पे क्या करता है, पूर्ति करता है, या नीतांक ये कहता है कि जैसी राशि इधर है ऐसी ही राशि इधर होनी चाहिए। नीतांक यानी के नियत अंक, स्थिरांक यानी के स्थिर रहने वाला अंक। तो इसकी वैल्यू आप ये पुट करेंगे, ओके बेटा, तो यही हमारा बायो सेवर्ट नियम है। अब एक आपको मेरे हमारे विद्यार्थी कुछ बहुत ही पुअर कंडीशन में है गलत, तो वे क्या करेंगे, वो केवल ये सूत्र याद कर ले, डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई और आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये सूत्र याद कर ले, और अगर बोर्ड में एग्जाम आ जाता है तो लिखे तो ना कॉपी में, लेकिन अपने माइंड में रखें। तो इस सूत्र से ही आप सारा लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र चालक खंड में प्रवाही धारा के समानुपाती होता है, एक समीकरण तैयार। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी उस चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है, दूसरी समीकरण आपकी तैयार है। फिर आप कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक खंड और बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समीकरण नंबर 4 तैयार। फिर चौथी आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी चालक खंड, फिर बोलेंगे चालक खंड व बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की जया यानी के साइन थीटा के समानुपाती होता है। ये 4 समीकरण आपके तैयार हो जाएंगे, और नीतांक आपको ने याद कर ही रखा है, तो आप इसे मिला के बराबर लिख कर ये करके आप इसे पूरा कर सकते हैं। ये मैंने आपसे कोई एक ट्रिप बताई है, जो विद्यार्थी हमारे ये सोचते हैं कि रटने से ही काम चल जाए, वैसे आपको रटना नहीं चाहिए, पढ़ेंगे तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बेटा मैंने आपसे बताया था कि बायो सेवर्ट का कोई भी न्यूमेरिकल हमारा नहीं है, इसके एप्लीकेशंस हैं और 3 एप्लीकेशंस हैं, 3 में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये हमारे पास एक वायर है, सारे विद्यार्थी देख रहे हैं, इसकी लेंथ जितनी भी होगी, आपको स्केल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप जितनी भी माने, 1 फीटे के बराबर ही मान ले, 30 सेंटीमीटर मान लिया आपने, ठीक है ना। तो मैंने इसको मोड़कर एक कुंडली बना दी, ये कुंडली बना दी, ठीक है ना, देख रहे हैं आप कुंडली। अब इसमें करंट पास है, करंट जा रहा है आई करंट, अब इसका सेंटर तो है, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर पॉइंट, हाउ मेनी इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर ऑफ कॉयल, यानी कि जो कॉयल है, ये जो कुंडली बनाई है, इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना हमें करनी है, इस पर आधारित आपके 7 न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिए हैं। तो ये जो आपको बनानी है करना है, इसमें बायो सेवर्ट नियम ही यूज होगा और बहुत जल्दी से आपके समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ कि ये मैं आपसे पूछूंगा, ये लंबाई है और जब मैं इसे ऐसे मोड़ दूंगा तो ये क्या बन गई, लंबाई ने किसका रूप ले लिया, लंबाई ने जो रूप लिया है वो परिधि का रूप ले लिया। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे L बराबर 2 पाई A, यहाँ त्रिज्या को आपकी बुक में A माना है,
मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आर भी मान सकता हूँ, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग ए माना है तो ए मान लेंगे। तो यहाँ जब भी आपसे पूछा जाए कि ये लंबाई जो हमारे पास थी, ये लंबाई किस रूप में आ गई अब हमारे पास, इस कोयल इस कुंडली की परिधि के रूप में आ गई है। तो हमारा जो अगला पॉइंट है, धारावाही कुंडली के चुंबकीय के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। लैंग्वेज तो मैं लिखवाऊंगा, ये लिखी हुई है आपके पास। यहां मैं एक कुंडली बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने एक कुंडली बनाई है। आप इस कुंडली को आप डबल लूप दे सकते हैं तो डबल भी दे दीजिएगा। आप ध्यान देंगे ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर पॉइंट ओ, और देयर इज वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर हमने बी ज्ञात करना है। हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ बी। अब क्या करते हैं विद्यार्थियों, इसकी लंबाई आपकी एल है, मैं पूरा चक्कर तो नहीं लगाऊंगा, बस आप इसकी लंबाई कितनी मान के रखेंगे, एल इसकी लंबाई है। और इस कुंडली में जो करंट पास हो रहा है वो आई करंट पूरी कुंडली में पास हो रहा है, चाहे इधर से दिखा दीजिएगा या इधर से। अब इस पूरी कुंडली को हम बहुत सारे भागों में बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? क्योंकि हमें इसमें यूज बायो सावर्ट नियम करना है, और बायो सावर्ट ने पूरा चालक नहीं लिया बल्कि उसका चालक खंड लिया था। तो इसको मैं बांट देता हूं ए बी सी डी ई एफ और जी। आपकी पसंद है इनमें से कोई सा भी खंड आप ले लीजिएगा। मान लीजिए मैंने आपका ये सी डी खंड ले लिया, ये सी डी खंड ले लिया, और जैसे बायो सावर्ट ने लिया था इसकी लंबाई ले ली मैंने डेल्टा एल, यहां से यहां तक करंट इसमें आई पास है आप जानते हैं, ये आ जाएगा। और ये सब विद्यार्थियों को पता है कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है और सर्किल की जो रेडियस होती है वो रेडियस पर क्या होता है, लंब होता है। तो ये भी वृत्ताकार कुंडली है, आप ध्यान देंगे ये है हमारे मेरे पास। अगर मैं यहां पे इसके सेंटर से ऐसे दिखाता हूं तो ये इस पॉइंट पर क्या दिखाई देगा, लंब दिखाई देगा, यानी कि ये दोनों साइड में 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां पे भी 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से अगर मैंने ये इसकी रेडियस ले ली तो यहां इस सरफेस के साथ ये जो कोण बनाएगा कितने का बनेगा, 90 का कोण बनेगा। तो इसकी त्रिज्या ए ले ली जैसे मैंने आपसे बताया था। तो यहां लिख रहा हूं मैं आपका बायो सावर्ट नियम से, नियम से अभी अभी मैंने आपसे पढ़ाया है डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन त्रिज्या, वहां आर ली थी उसने, यहां आपकी बुक में ए दे रखी, ए ले लेंगे, आर लेते हो आर ले लीजिएगा। तो यहां मैंने ए स्क्वायर लिख दिया, ये आ गया हमारा बायो सावर्ट नियम, क्योंकि ये भी खंड है, ये भी खंड है, ये भी खंड है। अब काम क्या करना है हमें, हमारी फिजिक्स में जब किसी चीज को जोड़ना होता है तो वहां हम या तो इंटीग्रेशन करेंगे या दोनों साइड सिग्मा लगाएंगे। सिग्मा भी क्या करता है, उन सब फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेगा, जोड़ के बताएगा आपको। तो यहां समीकरण एक का दोनों ओर से और से सिग्मा लेने पर, सिग्मा लेने पर, तो लो बेटा सिग्मा, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो टू पाई, नहीं बेटा यहां फोर पाई है सॉरी, म्यू जीरो फोर पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। सिग्मा हमारा यहां भी लगेगा। अब पहले तो हम थीटा का ही काम निपटाते हैं,
एंगल इज 90 डिग्री एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, आप 90 डिग्री पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा डेल्टा बी बराबर सिग्मा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू इन साइन, तो ये हो जाएगा सिग्मा डेल्टा बी बराबर सिग्मा म्यू जीरो 4 पाई आई डेल्टा एल आर नहीं ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बच्चों देखो जरा, यहाँ ये सिग्मा इन फिजिकल राशियों को जोड़ेगा और जुड़ेंगे वही जो टूटे हुए हैं, जो अपने आप में पूर्ण है वो तो जुड़ेगा ही नहीं। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस चालक खंड के कारण है, हमें तो पूरे के लिए चाहिए। तो ये टूटे हुए ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कम है, डेल्टा बी डेल्टा बी डेल्टा बी, तो वहाँ तो सिग्मा ठीक है। अब यहाँ वाले सिग्मा को हमें एडजस्ट करना है। अब वहाँ पे जो त्रिज्या नहीं टूट रही है, आई जो जा रहा है वही जा रहा है, नियतांक तो कभी चेंज नहीं हो, नियत अंक है, तो टूटा हुआ हमारा डेल्टा एल है, तो हम इस सिग्मा को शिफ्ट कर रहे हैं डेल्टा एल के पास। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा सिग्मा डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई और आई आई अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ जाएगा सिग्मा डेल्टा एल। अब जब हम सारे मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ेंगे तो एक ही मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा बी। और जब सारी लंबाई छोटी छोटी लंबाई, मैंने आपसे कहा कि वायर था ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर का लिया, ये 5 का, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने 2 सेंटीमीटर का लिया, तो इन खंडों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो तो बी बन गया, और ये सारे खंड जुड़ के कितनी बन गई लंबाई एल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास सिग्मा डेल्टा एल बराबर एल रखने पर, तो ये हो जाएगा इसका क्या बनेगा बच्चों, बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई और आई अपॉन ए स्क्वायर और ये हो गया एल। अभी अभी मैंने समझा था ये लेंथ अगर मैं ऐसे कवर कर दूं तो ये किस फॉर्म में आ जाएगी, इसकी सरकमफ्रेंस के फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि इस परिधि के रूप में आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एल बराबर आपका 2 पाई ए, परिधि जानते हैं ना आप, यानी कि परिधि सरकमफ्रेंस, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, बट हमने क्या ले रखा आर की जगह ए, तो 2 पाई ए आ जाएगा रखने पर। तो यह आ जाएगा बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई और आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। ध्यान दे रहे हैं, एक ए कट गया, पाई कट गया ए, ये वाला, और 2 × 4 ये हो जाएगा बी बराबर म्यू जीरो और अपॉन 2 और यहाँ बचा आई अपॉन ए। तो आपका जो डेरिवेशन आया है वो आ गया बी बराबर म्यू जीरो और अपॉन 2 और इंटू आई अपॉन ए, 2a लिख लीजिएगा कोई बात नहीं, ये आ गया। अगर मैं आप ये तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र आया है, जब हम इसमें कैलकुलेशन पुट करेंगे तो वो आ जाएगा एक्यूरेट वैल्यू, मान लीजिए आपकी 20 आई तो ये बन गया इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे दो, आप दो डिफरेंस समझ लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप इन शब्दों से समझेंगे, आप कहेंगे मेरे घर में गेहूँ हैं, तो हमारी नॉलेज में क्या आ गया कि आपके घर में गेहूँ हैं, ठीक है ना। अगर आप ये कहें कि मेरे घर में 2 बोरी गेहूँ हैं, तो वो काउंटिंग भी हमारे माइंड में आ गई है। तो यही बात है, आपने कहा सर इस मैग्नेट के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र तो हमें पता लग गया, तो चुंबकीय क्षेत्र है तो कितना है, तो वो हो जाएगा तीव्रता, मात्रा, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे इसमें यही दो डिफरेंस है। अगर आप इसे वेक्टर राशि में दिखाएंगे, वैल्यू आपने दिखा ली क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आप बी लगा दीजिएगा और मात्रक लिखेंगे इसका न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर लिखेंगे, या आप वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे, टेस्ला लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपसे डेरिवेशन करवाए दो,
मुझे लगता है आपकी समझ में आ जाएगा होगा। ध्यान से समझे, कोई बात अगर समझ में नहीं आई कंसल्ट भी।